नमस्कार, आज का विषय है ध्वनि। चलिए जानते हैं हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती है, वह कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, हम ध्वनियों को कैसे सुन पाते हैं, और अंत में हम देखेंगे विभिन्न ध्वनियों की प्रबलता। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। किसी वस्तु के अपनी मध्य स्थिति के आगे या पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं। कुछ स्थितियों में यह कंपन आसानी से दिख जाता है, परंतु कुछ स्थितियों में आयाम इतना कम होता है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। आप सभी ने वायलिन तो देखा ही होगा। चलिए जानते हैं वायलिन द्वारा विभिन्न ध्वनियां कैसे निकलती हैं। जब आप वायलिन को बजाते हैं, तब आप छड़ी से इन तारों को कंपित करते हैं। छड़ी से इन तारों में कंपन होता है, जिससे ध्वनि बनती है। अतः इन तारों के कंपन से ही वायलिन से विभिन्न ध्वनियां निकलती हैं। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। हम मनुष्य भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये ध्वनि कैसे बनती है? यदि ध्वनि बनती भी है, तो कौन सी वस्तु हमारे शरीर में कंपन कर रही है? चलिए इन सब प्रश्नों का हम उत्तर जानते हैं। दरअसल मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। यह तंत्र श्वास नली के ऊपर होता है। कंठ के आर पार दो वाक तंतु होते हैं, जो इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच वायु निकलने के लिए एक झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं, तो वाक तंतु कंपित होते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए अब हम हमारे वाक यंत्र को देखते हैं। प्रस्तुत चित्र में आपको मनुष्य का वाक यंत्र दिखाया गया है। ये दो वाक तंतु कहलाते हैं। इस खाली जगह को हम झिरी भी कहते हैं। ध्वनि का संचरण। प्रकाश के विपरीत ध्वनि को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है, अतः कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न एवं संचारित कर सकती है। ध्वनि द्रव्य, ठोस तथा वायु में संचारित हो सकती है। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा ठोस वस्तुओं में होती है तथा सबसे कम वायु में। ध्वनियों को हम कैसे सुनते हैं? आप सभी इसका उत्तर जानते हैं। हम ध्वनियों को कान द्वारा सुनते हैं। चलिए जानते हैं हम कान द्वारा कैसे विभिन्न ध्वनियों को सुन पाते हैं। कान की बाहरी शक्ल कीप जैसी होती है। इसमें ध्वनि एक नालिका द्वारा प्रवेश करती है और कर्ण पटह पर जोर से तानित होती है। कर्ण पटह एक रबड़ की सतह जैसा होता है। ध्वनि इस कर्ण पटह को कंपित करती है। कर्ण पटह इस कंपन को आंतर कर्ण तक पहुंचाता है। इसके बाद यह कंपन को संदेश के रूप में मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। कंपन का आयाम
आवर्तकाल तथा आवृत्ति। प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। आवृत्ति और आयाम किसी भी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। हम इन दोनों के आधार पर दो ध्वनियों में भेद कर सकते हैं। चित्र में देखिए, वस्तु की मध्य स्थिति से अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है। चलिए अब ध्वनि की प्रबलता तथा तारत्वता को समझते हैं। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि का आयाम जितना ज्यादा हो उसकी प्रबलता उतनी ही होती है। जब आयाम छोटा हो तो ध्वनि मंद हो जाती है। आवृत्ति ध्वनि की तारत्वता तथा तीक्ष्णता को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति ज्यादा हो तो ध्वनि उतनी ही तीक्ष्ण होती है, परंतु यदि आवृत्ति कम हो तो उसका तारत्व कम हो जाता है। चलिए ध्वनि की प्रबलता तथा तारत्वता को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, परंतु सीटी की आवृत्ति अधिक होती है। अतः ढोल कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, वहीं दूसरी ओर सीटी अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। शेर की ध्वनि की तारत्वता पक्षी की आवाज से कम होती है, यद्यपि शेर की दहाड़ की प्रबलता पक्षी की आवाज से अधिक है। श्रव्य ध्वनि, जो ध्वनियां मनुष्यों द्वारा संसूचित की जा सके वे ध्वनियां श्रव्य ध्वनियां कहलाती है। श्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो सकती है। अश्रव्य ध्वनियां, जो ध्वनियां मनुष्य द्वारा संसूचित नहीं की जा सके वे ध्वनियां अश्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। अश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ध्वनि प्रदूषण तथा उसकी हानियां। वातावरण में अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं मोटरगाड़ी, फटाके, विस्फोट, मशीनें आदि। परिवेश में ध्वनि प्रदूषण होने के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अनिद्रा, चिंता, तनाव आदि का कारण ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। प्रबल ध्वनि के कारण मनुष्य सुनने की क्षमता भी खो सकता है। शोर को सीमित रखने के उपाय। शोर को नियंत्रण करने के लिए हमें उसके कारणों अथवा स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए वायुयानों के इंजन, यातायात वाहनों में, औद्योगिक मशीनों में रव शामक युक्तियां लगानी चाहिए। शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। संगीत निकायों में ध्वनि की प्रबलता हमें कम रखनी चाहिए।